जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से आकाश तिवारी जी का प्रश्न है कि यज्ञ में पूर्णाहुति में जो है नारियल डालने का क्या कारण है। कुछ कर्मकांड कराने वाले ब्राह्मणों से हमने सुना है कि यज्ञ में नारियल डालने पर ब्राह्मण भोजन कराना अनिवार्य है, इसलिए जो ब्राह्मण भोजन कराने में असमर्थ हैं वो यज्ञ में नारियल की पूर्णाहुति न करें। कृपया आप इसकी वास्तविकता बताने की कृपा करें, ऐसा इनका प्रश्न है। देखिए ये प्रश्न और भी लोगों के मुख से हमने सुना है, इसका हमने कई बार समाधान भी किया है और ये व्यवहार है, सार्वजनिक प्रश्न है, आप लोग ध्यान से सुने। देखिए हर कर्म में ब्राह्मण के भोजन की संख्या निर्धारित है शास्त्रों में। शास्त्रों में हर कर्म के लिए कि किस कर्म में कितने ब्राह्मण होना चाहिए वो वचन है। गर्भाधान आदि संस्कारे ब्राह्मणान भोजयेत् दश। गर्भाधान आदि संस्कारों में प्रत्येक संस्कार में दस दस ब्राह्मण का भोजन कराना चाहिए। शतम विवाह संस्कारे पंचासन मेखला विधौ। और विवाह संस्कार में चाहे वो पुत्री का विवाह हो या पुत्र का विवाह हो, हर विवाह के निमित्त विवाह सुखमय दाम्पत्य जीवन हो इसलिए 100 ब्राह्मणों का भोजन कराना चाहिए। प्रायः ये देखने में नहीं मिलता है, पार्टियां तो बहुत होती हैं पर ब्राह्मणों को कोई भोजन के लिए नहीं पूछता है ना कोई निमंत्रण करता है, ये जानते ही नहीं है कि विवाह में भी ब्राह्मणों का भोजन अलग से होना चाहिए, उन्हें दक्षिणा भी देनी चाहिए। तो जो अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय चाहते हैं, अपने पुत्र या पुत्री का जीवन सुखमय चाहते हैं, तो उनके लिए शास्त्र ने कहा है कि 100 ब्राह्मणों का भोजन कराइए। शतम विवाह संस्कारे, देखिए ये यज्ञ पार्श्व में ये कहा गया है, समस्त ग्रंथों में ये हमारे जो है संस्कार से संबंधित जो भी ग्रंथ हैं हमारे पारस्कर गृह सूत्र की व्याख्या में हरिहर जी ने और गदाधर मिश्र ने खूब अच्छी तरीके से व्याख्या की है। पंचासन मऊ मेखला विधौ, मेखला विधौ यानी यज्ञोपवी संस्कार में 50 ब्राह्मणों का भोजन करवाना चाहिए। यदि कोई असमर्थ है, बिल्कुल इतना ब्राह्मण का भोजन नहीं करा सकता है, ऐसे भी लोग हैं, तो वे कम से कम फिर 10 ब्राह्मणों का भोजन कराएं विवाह आदि में, और संस्कारों में 3 ब्राह्मणों का भोजन कराएं। ये उनके लिए व्यवस्था दी गई है जो सर्वथा असमर्थ हैं उनके लिए। सामान्य रूप से शास्त्र का निर्देश सभी के लिए यही है। आव सत्य त्रयस्त्रिंसत, विवाह के बाद घर में जो आव सत्य अग्नि की स्थापना होती है, स्मार्त अग्नि, जो आव सत्य और सभ्याग्नि की स्थापना की जाती है जिसमें त्रयस्त्रिंशत यानी 33 ब्राह्मणों का भोजन कराया जाए। और श्रौता धाने शतात परम, श्रौता धाने माने श्रौता धान में वैदिक अग्नियों की स्थापना, दक्षिणाग्नि, आहवानी अग्नि और गार्हपत्य अग्नि की स्थापना यदि करनी हो तो लिखा हुआ है शतात परम 100 से अधिक ब्राह्मणों का, 108 आदि ब्राह्मणों का भोजन कराना चाहिए। यह है सहस्रम भोजये सोमे, सोम यज्ञ में 1000 ब्राह्मणों का भोजन कराया जाए। ब्राह्मणानाम शतम पशो, पशु याग में 100 ब्राह्मणों का भोजन होता है। चातुर्मासेषु चत्वारिंशत्शतम पंचसुराग्रहे, चातुर्मास्य यज्ञ में जो है ब्राह्मणों का भोजन 400 ब्राह्मणों की संख्या का भोजन कराया जाए। और वाजपेय यज्ञ में जो है अयुतम वाजपेय च 10,000 ब्राह्मणों का भोजन वाजपेय यज्ञ में। और यश्वमेधे चतुर्गुणम, अश्वमेध यज्ञ में 40,000 ब्राह्मणों का भोजन कराना चाहिए, ऐसा है।
तो हर कर्म में हमारा जो 16 संस्कारों का या जो है 13 संस्कारों का जो विधान करता है, 11 संस्कारों का विधान करता है, जो भी गृह सूत्र हैं, और गृह सूत्रों में 48 संस्कारों की भी चर्चा है गौतम गृह सूत्र में, व्यास जी के अनुसार 16 संस्कार हैं, तो हमारे पारस्करिक गृह सूत्र में पारस्करिक गृह सूत्र के प्रत्येक संस्कार के बाद एक सूत्र है जो कई बार आवर्तित हुआ है, कई बार आया है, वो सूत्र है ततो ब्राह्मण भोजनम, गर्भाधान संस्कार की व्याख्या की, बाद में कहते ततो ब्राह्मण भोजनम, पुंसवन के बाद फिर ततो ब्राह्मण भोजनम, कोई भी संस्कार की व्याख्या होती है और सबसे अंतिम सूत्र यही होता है ततो ब्राह्मण भोजनम, उसके बाद ब्राह्मण भोजन कराया जाए, तो ये व्यवस्था है। अब देखिए इन्होंने प्रश्न किया है यहां कि भाई ब्राह्मणों का भोजन अगर हमने पूर्ण आहुति करा दी तो ब्राह्मणों का भोजन कराना अनिवार्य हो जाएगा, और नहीं करवाई तो नहीं है। तो ये जो अपन ने वचन अभी सुने, इन वचनों में कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है कि पूर्ण आहुति से उसका कोई संबंध है, वो संस्कार आदि हैं, वो यज्ञ है, उस यज्ञ में आपको इतने ब्राह्मणों का भोजन करवाना है, ये निश्चित है पहले से ही। परंतु कुछ लोग ऐसा कहते हैं, एक श्लोक है जिसको आप सुने, उसकी वास्तविकता बाद में बतलाएंगे, और इसको ध्यान से सुनिएगा। ये कह रहे हैं यज्ञ मीमांसा से बोल रहे हैं, यज्ञ मीमांसा में बृहस्पति संहिता का जो है उद्धरण देते हुए लिखा गया है कि नागवल्ली शुभ प्रोक्ता पक्वान्नंच दशस्मृता ऋतुफलंच विंशति पूगी फलमेक विंशति श्रीफले चैक पंचाशत शतम बाधिक भोजने सौभाग्य घृतमिच्छिन्ना द्विशतम पंचशतानि च। नागवल्ली शुप्रोक्ता, नागवल्ली, नागवल्ली माने होता पान, यदि पान से आपने पूर्णाहुति की तो इशु प्रोक्ता, तो कम से कम 5 ब्राह्मणों का भोजन कराना पड़ेगा। और पकवानंच दशस्मृता, और किसी पकवान से पायस हलुआ इत्यादि से अगर पूर्ण आहुति कर रहे हैं तो 10 ब्राह्मणों का भोजन करवाइए। ऋतुफलंच विंशति ही, और किसी ऋतुफल से कदली फल आम आदि किसी भी कोई भी ऋतुफल रख करके संतरा नारंगी आदि रख करके यदि आप पूर्ण आहुति करते हैं तो विंशति 20 ब्राह्मणों का भोजन कराना पड़ेगा, 20 ब्राह्मणों का भोजन कराना चाहिए। और पूगी फल मेकविंशति, और पूगी फल यानी सुपारी से अगर पूर्ण आहुति करते हैं तो 1 विंशति 21 ब्राह्मणों का भोजन। श्रीफले चैक पंचाशत, श्रीफल या नारियल से पूर्ण आहुति करने पर 1 पंचाशत 51 ब्राह्मणों का भोजन। शतम बाधिक भोजने, अथवा 100 या 100 से भी अधिक ब्राह्मणों का भोजन कराना चाहिए श्रीफल की पूर्ण आहुति में। और सौभाग्य घृता छिन्ना द्विशतम पंचशतानि च, और घृत की धारा से पूर्ण आहुति की जाए तो 200 अथवा 500 पंचशतानि च, द्विशतम पंचशतानि च, 200 अथवा 500 ब्राह्मणों का भोजन कराना चाहिए, ऐसा इन्होंने लिखा है। परंतु ये बात निर्मूल है, शास्त्री नहीं है। ये श्लोक वर्तमान में जो बृहस्पति संहिता है उसमें कहीं भी मिलता नहीं है, तथा अन्य शास्त्रों से इसका विरोध है। शास्त्रों में, हमारे शास्त्र में कोई भी बात कही गई हो उसका किसी भी शास्त्र से विरोध नहीं होना चाहिए, तथा एक वाक्यता होनी चाहिए, तभी वो बात शास्त्र सम्मत है। तो ये श्लोक गढ़ा हुआ है। इस बात को क्या प्रमाण है कि ये श्लोक गढ़ा हुआ है, इसको भी यज्ञ मीमांसाकार लिख रहे नीचे, देखिए ध्यान से सुनिए, इनके ही शब्दों में सुने। उपर्युक्त नागवल्ली शुप्रोक्ता आदि ये दोनों श्लोक बृहस्पति संहिता में नहीं है, अतः नागवल्ली शुप्रोक्ता के आधार पर ब्राह्मण भोजन की संख्या का निर्णय करना सर्वथा शास्त्र विरुद्ध और अप्रामाणिक है, ये लिख रहे। इसलिए युक्ति भी देखें, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है केवल पान से पूर्णाहुति की जाए, कहीं भी नहीं लिखा है घृत, केवल घृत से जो है पूर्णाहुति की जाए। जो इन्होंने विकल्प दिए हैं
वो विकल्प अनुकल्प किसी दूसरे ने कहीं लिखे ही नहीं है, इस दृष्टि से भी आप समझ सकते हैं। और स्वयं इसका उद्धरण देने वाले यज्ञ मीमांसाकार भी उसका जो है खंडन कर रहे हैं। इस दृष्टि से बात सर्व का सभी का सार यह हुआ कि जो संख्या पहले बताई थी शास्त्रों में कि किस कर्म में कितने ब्राह्मणों की संख्या रखी जाए, वही प्रामाणिक है। पूर्णावति के आधार पर ब्राह्मणों की संख्या, भोजन संख्या, कोई भी करना, कहीं भी किसी भी कर्म में, किसी भी जगह पर, किसी भी काल में यह निर्णय करना कि पूर्णावति कर दी जाएगी तो इतने ब्राह्मणों का भोजन कराना पड़ेगा, ये अशास्त्रीय है, निर्मूल है, अप्रामाणिक है। इसके ऊपर कोई भी ये व्यवस्था न की जाए। हर हर महादेव।